गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज के जिस टॉपिक पर अपन बात करेंगे वो टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ हर्बल ड्रग्स। अपन जो हर्बल ड्रग्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए किस किस टाइप के प्रोसेस अपन काम में लेते हैं, इसको अपन सिंपली एक फ्लो चार्ट की सहायता से समझ लेंगे। ठीक है, तो उस फ्लो चार्ट को थोड़ा सा आप ध्यान से देख लें और मैं उसकी इमेज भी ग्रुप पर सेंड कर दूँगा। ठीक है, और इसकी जो थ्योरी है वो मैंने नोट्स में आपको करवा रखी है ऑलरेडी, तो वो थ्योरी तो आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। फ्लो चार्ट अपन एक्सप्लेन कर देते हैं। चलिए, तो इस फ्लो चार्ट में अपन फर्स्टली देखते हैं कि अपन को जब भी कोई ड्रग्स या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग जो अपन जिस यूनिट की करना चाह रहे हैं, जिस अपन को सब्सटेंस जो दिए गए हैं, उसकी सबसे पहले अपन को यूज होती है रॉ मटेरियल की। तो अपन सबसे फर्स्टली क्या लेंगे, रॉ मटेरियल लेंगे। इस रॉ मटेरियल को लेने के बाद में अपन इसकी क्लीनिंग करेंगे। क्या करेंगे अपन इसकी क्लीनिंग, यानी इसको वॉश करेंगे, इसको साफ करेंगे। ठीक है, अब इस क्लीनिंग करने के बाद इस क्लीनिंग प्रोसेस को अपन दो टाइप से कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट होता है ग्रिडिंग, जिसको अपन किसकी सहायता से करते हैं, बॉल मिल की सहायता से करते हैं। और सेकंड होता है कटिंग, इसको क्या करना अपन को, कट करना। ठीक है, तो पहले अपन को फर्स्ट स्टेप की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर। ग्रिडिंग, जिसको अपन बॉल मिल की सहायता से क्या कर लेंगे, ग्रिड कर लेंगे। ग्रिड करने के बाद उसको अपन सीविंग कर लेंगे, यानी जो सीवी अपन को दे रखी है, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर की जो सीवी है, यानी छन्नी जिसको आप लोग बोलते हैं, उसकी सहायता से अपन उसको छान लेंगे। और यहाँ से जो प्रोडक्ट अपन को मिलेगा, यहाँ से जो प्रोडक्ट अपन को मिल रहा है, उस प्रोडक्ट को अपन बोलेंगे पाउडर। क्या बोलेंगे, पाउडर। ये जो अपन को प्रोडक्ट मिलेगा ये कौन सी फॉर्म में मिलेगा अपन को, पाउडर फॉर्म के अंदर मिलेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अपन अब बात करते हैं, जब अपन ने इसको क्लीनिंग करा, तो क्लीनिंग करने के बाद फर्स्ट स्टेप तो अपने ग्रेडिंग करी, या सेकेंड स्टेप अपन देखेंगे यहाँ पर कटिंग। क्या देखेंगे, कटिंग। तो अपन ने यहाँ पर क्या करा, जो रॉ मटेरियल दिया गया है, रॉ मटेरियल किस फॉर्म में हो सकता है, स्टेम फॉर्म में हो सकता है, रूट के अंदर हो सकता है, ब्रांचेज में हो सकता है, रूट के अंदर हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट जो पार्ट है उसके अंदर रॉ मटेरियल प्रेजेंट हो सकता है। इसको अपन कटिंग करेंगे, एंड कटिंग करने के बाद इसको अपन डिकोटेशन करेंगे। डिकोटेशन का मतलब होता है इसको अपन डिकोट करना, यानी जो पार्ट अपन को इंडिविजुअल चाहिए उसको तो अपन रख लेंगे, बाकी को क्या कर देंगे, वॉश कर देंगे। किसकी सहायता से, वाटर की सहायता से। ठीक है, अब देखिए, अब अपने डिकोटेशन के द्वारा इसको अपन क्या कर सकते हैं, परमानेंट कर सकते हैं, और सीवी के द्वारा जो अपन ने यहाँ पर लिया है इसको भी अपन परमानेंट कर सकते हैं। तो अपन क्या कर लेंगे, इसका यहाँ पर परमानेंटेशन कर लेंगे। ठीक है, इसको पहले एक बार इसको समझ लेना। क्लीनिंग, क्लीनिंग किसकी सहायता, क्लीनिंग के बाद अपन ने क्या करा, यहाँ पर ग्रीडिंग क्या करी अपन ने, यहाँ पर ग्रीडिंग, ग्रीडिंग के बाद उसके बाद सीविंग, सीविंग के बाद उसको क्या करा अपन ने, फिलर करा, या जो उसमें बाइंडर थे वो बाइंडर डाले, देन अपन ने क्या बना ली, टेबलेट बना ली। ठीक है, तो दो फॉर्मेशन कर ली यहाँ पर, एक तो कर ली पाउडर, दूसरी कर ली टेबलेट। इन दोनों को क्या कर देंगे अपन, यहाँ पर पैक कर देंगे। क्या कर देंगे, पैक कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। अगला, अगला अपन ने यहाँ पर इसको डिकोटेशन करा, इसके बाद क्या करेंगे, इसका फर्मेंटेशन करेंगे। फर्मेंटेशन करने के बाद अपन इसको क्या कर देंगे, फिल्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे अपन, अपन इसको फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद जो लिक्विड है, ठीक है, इसको किस में चेंज कर लेंगे अपन, लिक्विड फॉर्म में। यानी फिल्टर कर लिया इसको यहाँ पर, फिल्टर करने के बाद अपन ने क्या कर लिया इसको, लिक्विड फॉर्म में। तो अपन को यहाँ से जो फॉर्म डेवलप हुई वो कौन सी हो गई, ये जो फिल्ट्रेशन है, इस फिल्ट्रेशन के अंदर अपन क्या करेंगे, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स डालना, कॉस्टली मटेरियल इफेक्टिव विद द लिटिल क्वांटिटी, लिटिल क्वांटिटी के अंदर कॉस्टली मटेरियल तो उनको डालना, अगेन क्या करना इसको, फिल्टर करना। फिल्टर करने के बाद इसको इफ्लुसेंट कर लेना, इफ्लुसेंट्स का मतलब होता है लिक्विड जो वेस्ट होता है उसको रिमूव कर देंगे यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से क्या डेवलप कर लेंगे, सेमी सॉलिड स्टेट डेवलप कर लेंगे। यानी इस पूरी कंडीशन के अंदर अपन पाउडर फॉर्म में डेवलप कर सकते हैं, टैबलेट सॉलिड फॉर्म में डेवलप कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में डेवलप कर सकते हैं, और सेमी सॉलिड फॉर्म में डेवलप कर सकते हैं। इन सब को कंबाइंडली अपन क्या कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं, और पैक करने के बाद इसको कहाँ भेज देंगे अपन, मार्केट के अंदर भेज देंगे। ठीक है, तो ये है आप लोगों का एक फ्लो चार्ट किसका, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ रॉ मटेरियल का।